बिहार के गया जिले में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। गया की बेटी ने देश के चर्चित सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड से पर्दा हटाने का जिम्मेदारी लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया जिला के टिकारी अनुमंडल स्थित बेलहाड़िया पंचायत के सलेमपुर गांव की। इस गांव के लोग मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे। पूरे गर्व के साथ इस गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि टिकारी की बेटी आईपीएस नुपुर प्रसाद अब निश्चिंत तौर पर सुशांत हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेगी। बता दें कि आईपीएस नुपुर प्रसाद सीबीआई की तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। वहीं सुशांत के फैंस भी न्याय की उम्मीद जता रहे हैं। नुपुर प्रसाद के बारे में ही जानते हैं कि भारत की अगर कोई महिला और खास करके मेरे जात समाज चित्ररूत परिवार से इस सलेमपुर के टिकारी के और गया के नाम रोशन करने में उसका नाम आया है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस उसको मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है और भगवान के भी आशीर्वाद है, वो निश्चित रूप से उस केस में बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा नाम करेगी और देश का नाम और साथ साथ हमारे समाज और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई ने जो टीम गठन किया है उसमें 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी, सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर और केस का सुपरविजन 2004 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी गगनदीप गंभीर करेंगी। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि उनको मिला है, जो भार मिला है उनको सौंपा गया है, वो सही ढंग से करेंगी, उसका जांच वो बहुत अच्छे ढंग से करेंगी, हम लोग को विश्वास है। कैसा है, पहली बार उनको मिला है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, विश्वास है, गर्व महसूस हो रहा है, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखते हैं क्यों करें। नुपुर के परिजन ने उम्मीद जताई है कि अब सुशांत केस को जल्द ही नुपुर अपनी कौशल और बुद्धिमानता से सुलझा लेगी। अच्छा है, पर मिला है जिनको आदेश मिला है तो पालन कर रही है, काम कर रही है, बढ़िया अच्छा कर रही है, हम लोग को भी बहुत खुशी है, गांव वालों को भी बहुत खुशी है, पेपर ऊपर में भी छपा तो थोड़ा सा लोग उसको सब आकर्षित हुए पढ़ कर करके भी, तो अच्छा काम कर रही है तो अच्छा ही हम लोग कहेंगे, हम लोग को तो खुशी होता ही है। गौरतलब है कि सुशांत ने बीते 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती सहित कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज होते ही बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच गतिरोध भी देखने को मिला था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने केस की जांच की सिफारिश सीबीआई से की थी, जिसके बाद अब सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है। और मैं 100% आश्वस्त हूं कि नुपुर प्रसाद बहुत अच्छा से टैकल करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को पूरा न्याय दिलाएंगे इस केस में। 100% मुझे एश्योर्ड है, इस मामले में एश्योर्ड हूँ 100%। दूध का दूध पानी के पानी करके रखेंगे ही नुपुर प्रसाद, मुझे पूरा विश्वास है। क्या भी ये ज्वाइन किए थे? ये 2007 में आईपीएस बनी थी। अच्छा जी, तो क्या कहाँ पोस्टेड थे पहले? पहले दिल्ली में थी। अच्छा। जी अभी फिलहाल जो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला मिला है, 2019 में वो सीबीआई में चली गई। सीबीआई? जी जी। तो इस तरह का केस ये पहली बार उनको हैंडल करने के लिए? जी हाँ, हमें तो जानकारी अभी मिली है, चूँकि बहुत चर्चित मामला है सुशांत सिंह राजपूत का, इसलिए चर्चित है, तो हमें पहली बार जानकारी मिली कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला नुपुर प्रसाद को मिला है और हम लोग पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने ग्रामीणों की तरफ से भी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है इतने बड़े मामला को मतलब न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने नुपुर प्रसाद पर भरोसा दिया है। गया से मनोज कुमार के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।